तो फ्रेंड्स ओडिशा पुलिस रे सिपेई कनेस्टेबल माने ओएसपी आईआरबी रे एक नुआ नोटिस आसी जो नोटिस रे एबे थारु जो नियुक्ति होबो सेतरे सिलेक्शन प्रोसीजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दीटा बहुत बड़ा परिवर्तन हिची चेंज हि जाइछि। जदि आपण एथरे चाकरी करे पय चाहंती एथरे वयस शिक्षागत योग्यता हाइट वेट चेस्ट सब उडाक एवं एथरे फिजिकल मेडिकल रूटीन सब उडाक एक परिवर्तन हिची एवं से नियम आसी जाइछि। तबे जदि आपण एथरे नियुक्ति रे भाग न पय चाहंती तबे वीडियो आपण मन पय इंपोर्टेंट कारण जो हिसाब रे मु कहिबि सेही हिसाब रे नियुक्ति हम टिके भी चेंज हम ना ओडिशा पुलिस जो नियुक्ति करेंगे ओएसपी आईआरबी तो यार पूरा नियुक्ति नियम आ सिलेक्शन प्रोसेस मुझे वीडियो में कहूँ। प्रथम जानतु ये नोटिस किए देखा देती गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट ओडिशा पुलिस नियुक्ति पुणी होम डिपार्टमेंट कहीं दूसरी होम डिपार्टमेंट यही दूसरी ओडिशा पुलिस होम डिपार्टमेंट अंडर में जाऊँगी तेणु जहाँ भी परिवर्तन होता है होम डिपार्टमेंट जहाँ नियम करा पुलिस ताकू मानने बाहू तबे ये नोटिस सत्यता अच्छी मुझे आपको शो करो ये है ओडिशा होम डिपार्टमेंट जेकोसी नियम परिवर्तन होता है तेज आपने नोटिफिकेशन को आसपे से आक्ट एंड रूल अच्छी से आक्ट एंड रूल आप क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ जो थे जहाँ नियम हो तो से नियम गुड़ा सब कोर्ट फोर्ट को आरंभ करके जहाँ होम डिपार्टमेंट अंडर अच्छे जो नियम सब होता देखो ता भर में जो ओडिशा पुलिस जो ओएसएफपी आईआरबी जो नियमटा आसला जमी निजुक्ति हम से नियमटा आपको 13/9 पब्लीश होती आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड डायरेक्ट करें यही आपको यही शो करी एटा 100% रियल तब ये जो निजुक्ति हम ये निजुक्ति प्रथम जानवा सिलेक्शन प्रोसेस और जानवा आम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओएसएफपी आईआरबी एवं जब नियुक्ति हम तार सिलेक्शन प्रोसेस रही प्रथम रिटिन तापर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तापर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तापर ड्राइविंग टेस्ट एथिरे या पूर्व मुझे सबकि कही सारी कितने केवल नोटिस आसी ना सबूक प्लस टू पास रखी कि ओएसएफपी आईआरबी एथर मेट्रिक पास रखी प्रथम रिटिन एग्जाम हम आम जाना ये रिक्रुटमेंट प्रोसेस जान लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाना बयस कौन नब शिक्षागत योग्यता कौन नब बयस मागिचे जनरल पिला 18-23 भितर बयस होता दरकार से बयसटा आपणकर काउंटिंग केबे ठारु हबो ना 1 January को जो वर्ष नियुक्ति पार जदि एही वर्ष 2022 रे बाहरला ताले आपणकर बयस 1 January 2022 को मागिबो से डिसेंबर रे चाकरी बाहरले मध्ये से 1 January की बयस मागिबो एवं जदि 2023 रे बाहरला 2023 रे 1 January की मागिबो 2024 रे बाहरले भी 1 January तापर जेत्रे भी ओएसएफपी आईआरबी भी बाहरिबो से 1 January 2000 से जो वर्ष से ही वर्ष को आपणकर जनरल बयस 18-23 होता दरकार रिलैक्सेशन अच्छी रिलैक्सेशन जोटा रही से आपन को 5 रिलैक्सेशन मिल ओबीसी एससीबीसी एससी एसटी समस्त 5 मिल गोटे कथा मन रखु लेडीज मानी ओएसएफपी आईआरबी भाग नबार कौन चान्स ना ओएसएफपी आईआरबी एडिज मैंने भाग नहीं पारे कि तथापि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ओएसएफपी आईआरबी कमिशनरेट पुलिस जीआरपी पुलिस सबूक एकासाथी से बाहर थाए से पुरुष पिला सबूक आवेदन करें कि लेडीज मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कमिशनरेट पुलिस दुईटा को ही आवेदन करेंगे तेज आपण मैंने चाहती तो लेडीज मैंने जब आप भावे आमपाई चाकर ना ना आपको एकासाथी बाहर से हिसाब से आपड़ी रही है प्रथम कथा सेकेंड कथ आम जाना ए शिक्षागत योग्यता रखा केवल 10th पास जदि आप 10th पास करएसएफपी आईआरबी चाकरी करेंगे कौन सी परसेंटेज दरकार ना आप तीन थर पास फेल होगी पास करते सुधा आप ओएसएफपी आईआरबी चाकरी करेंगे आड़िया आपड़ कही पार्थे लिखी पार्थे ओडिया एक हाई स्कूल हूँ आपंकर एम ई स्कूल हूँ गोटे सब्जेक्ट रखिक पास कर दरकार सहित एटी आपको जितेबले आम बर्तमान आपको नियम अनुसार आपड़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे आपको नाम जाकि रजिस्ट्रेशन करदे कारण आपंकर बिफोर अर्लीएस्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट तमें निजुक्ति बाहर पूर्वर आपण मैंने आपंकर नाम रजिस्ट्रेशन कर दरकार कौटी ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस रे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस प्रत्येक जिले अच्छी तापर आम भुवनेश्वर अच्छी आपणकर जो जिला से जिलार हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन ऑफिस अच्छी आपड़ जाकिट्रेसन एवं करदे चलो जदि आप 18 होते आपंकर हाई स्कूल सर्टिफिकेट ता सहित आपंकर कास्ट रेसीडेट ये सब सर्टिफिकेट गुड़ा दरकार आपंकर जो सर्टिफिकेट अच्छी से सर्टिफिकेट नहीं कि आपड़ रजिस्ट्रेशन करें रजिस्ट्रेशन जब न करते जब ओएसएफपी आईआरबी आज भी बाहरी पड़ी तेल आपड़ फर्म पकड़े एलिजिबल हम ना तो से आपने पकेबे फास्ट आम शिक्षागत योग्यता जान लेपर आम इम्पोर्टाट नोटिस जान लेपर आम बयस जान लें जाना जब आम फर्म पकोचे प्रथम से रिटिन एग्जाम हम रिटिन में कौन कौन क्वेश्चन आसो
ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ରିଟିନ୍ 35 ମାର୍କରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ 100 ମାର୍କରେ ହେବ 120 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 4ଟା ରାଉଣ୍ଡିଂ ଥିବ ସେ 4ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓସିଆର୍ରେ ବି ହେଇପାରେ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ ତେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରହିବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଓକେ ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିବ ଜିକେ ଆସିବ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆସିବ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ ଯଦି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ରହିବ ଓକେ ଓଡ଼ିଆଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଲ୍ ବି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓକେ ତେବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତିକିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁଧୀ ବ୍ୟାକରଣ ଫାକରଣ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲିଶ ରହିବ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ 7 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ ଯେଉଁମାନେ ରିଟିନ୍ ଦେବେ ରିଟିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ ସେଇ କେତେ ପିଲା ସବୁ ପିଲା କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ନେବ କି ନେବନି ଯଦି ମନେକର 1000 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 1000 × 7 7000 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ରଖିବ ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କାଟିଦେବ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ହିସାବରେ ତେବେ ରିଟିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପାସ୍ କରିବା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ 7 ଟାଇମ୍ସ 7 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ରଖିବ ତାପରେ ନେବ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲାବସ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ରିଟିନ୍ରେ ସିଲାବସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ସିଲାବସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଉ ରିଟିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଇଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ରିଟିନ୍ ହେବ ରିଟିନ୍ରେ 7 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବ 7 ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ରଖିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ୱେଟ୍ 55 କେଜି ଏବଂ ଛାତି 79 ରୁ 84 ଏବଂ SC ST ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଛି SC ଆଉ ST ଏଇଟା କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥିରେ ତ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଓକେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 168 ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଏବେ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କମ୍ ରଖିଛି ତାପରେ 50 କେଜି ୱେଟ୍ ରଖିଛି 76 ରୁ 81 ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ରଖିଛି ଓକେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖିଛି SC ST ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ରନିଂ ରଖିଛି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ମାତ୍ର 3ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ରଖିଛି ରସି ଫସି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା 1600 ମିଟର ରନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ ଆପଣ କଟିଯିବେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପଟା ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଫୁଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3ଟା ଚାନ୍ସରେ ରନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପାଇଁ 3ଟା ଚାନ୍ସ ଯଦି 3ଟା ଚାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ 14 ଫୁଟ 4 ମିଟର କ୍ଲିୟର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ କଟିବେ ସେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଜମ୍ପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4.5 ଫୁଟ ହାଇ ଜମ୍ପ ଆପଣ ନ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି 3ଟା ଚାନ୍ସରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଟିବେ 1.38 ମିଟର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 4.6 ରହୁଛି ମାନେ 4.5 ଫୁଟ ଆପଣଙ୍କର 4.6 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି 4.5 ଫୁଟ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 54 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ତାମାନେ ଆମର ଯଦି 12 ଚୁଅ 48 ତେବେ 12 ଫୁଟ ମାନେ 12 ଇଞ୍ଚରେ 1 ଫୁଟ ହେଉଛି ତେବେ 4 ଫୁଟ ହୋଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 48 ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଫୁଟ ହେଇଯାଉଛି 12 ଚୁଅ 48 ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 48 6 ତାମାନେ 4.5 ଫୁଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଓକେ 4.5 ଫୁଟ ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖି ତେବେ ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ରିଟିନ୍ 100 ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ
फिजिकल पाई मध्ये रेडी होतवा दरकार कारण 6 मिनिट भीतर आर्मी नौ 5 मिनिट 45 सेकंड रनिंग आउ ये नला 6 मिनिट 6 मिनिट भीतर यदि आपण रनिंग न मारि परबे आपण काट देबो ता सहित आपण हाई जंप डायरेक्ट 4 फुट आउ सब नौ ये किंतु 4.5 फुट नौ जदि 4.5 फुट आपण हाई जंप न मारि परबे मध्ये काट देबो लॉन्ग जंप रे आपण 14 फुट यदि आपण न मारि परबे मध्ये आपण को काट देबो सेतिपे स्पेशल मनोज महंत बोली मुडे चैनल करिछि सेतिर आपण को मेडिकल आउ फिजिकल रे आपण गाइड कर देबी आपण से चैनल ला लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन ले पाइजबे सेति मध्ये आपण माने ऑनलाइन में आपको कहीदेवी सब ट्रिक आप हिसाब से रेडी होते ओके आप फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट कला तापर रहुचे ड्राइविंग टेस्ट पई 5 मार्क रहिचे जो मानकर ड्राइविंग लाइसेंस थिबो सेइ माने ही ड्राइविंग टेस्ट देबे जदि आपनकर सेटा नथिबो आपन टेस्ट देबे जदि आपन ड्राइविंग लाइसेंस करया पई चाहौछ त एबे कर दियंतु कारण 6 मास भीतर हेतुवा दरकार 6 माने लास्ट 6 मास आपनकर ड्राइविंग लाइसेंस जो हेवी हेतबा लाइट हेतबा 6 मास पर ही आपनकर ए सर्टिफिकेट हेतिले से ताकु एलिजिबल करिवे एवं ड्राइविंग टेस्ट नेबे जदि आपन सेतरे पास करचोंती तारे 3 मार्क 5 मार्क एमिति रखिचोंती आपन सेतरे 3 मार्क किबा 5 मार्क पाइ परे जोटा बोनस मार्क ड्राइविंग आप कटुच्चे कटिजी सेमती किसी ना आप कटे ना आपर से सर्टिफिकेट अनुसार आप जहाँ रही देते जब आप ड्राइविंग क्लेम करते हैं ड्राइविंग में आपको कौन एग्जाम देवाई पड़ो ड्राइविंग टेस्ट देवाई पड़ो टेस्ट आदि मार्क रखुच्चे आपको से बोनस मार्क मिलूँ बुझिपाले आपण माने सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ पाइले जे पातन रिटेल रे कोन कोन हम कहि देली फिजिकल मेजरमेंट रे कोन हम कहि देली फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट कहि देली सब जो रिटेल एग्जाम हबो ड्राइविंग टेस्ट हबो सेटा सब गुडा बोर्ड निजे करैबो सीसीटीवी अंडर रे माने वीडियोग्राफी हे कि सब गुडा हबो ओके सेति पई आपण कोनोसे असुविधा नै को जगह हबो कोठी हबो सब बेले एडमिट कार्ड ता आपण को आसीबो एडमिट कार्ड रे ही लेखा जाइथिबो ओके तापर आपणकर मेडिकल टेस्ट हम मेडिकल आपणकर गोटे एसडीएमओ जो मैंने सही रैंक रही आपणकर जे डॉक्टर आपको मेडिकल चेकअप करेंगे सही आपणकर मेडिकल कौन कौन चेक हम ना से हम आपणकर नक नी हम बो लेग हम फ्लाट फुट हम भेरिकस वेन हम स्क्विंट आई हम जोटा कि टेरा ओके सहित पुअर भिजन आखिरी कम थी ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस जोटा कि आपको कलर आखि कलर चिन्ही पार्थ न चिन्ह पार्थ इनएबिलिटी टू फ्लेक्स फिंगर प्रॉपर्ली आप हाथ गोड़ चली पार्थ ठीक से जदि न चली पार्थ से काटे सहित अदर डिफर्मेटिस ओके सहित आपड़ी कौन आपड़ शुणी पार्थे कही पार्थे ठीक से एतक ही आपंकर मेडिकल नॉर्मली चेक हम ये सब जिनस सब ठीक रहिबे ता सहित जो मैंने एनसीसी रखिंट एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट एथिरे आपको मार्क मिलिबो केवल मार्क मिलिबो दुई मार्क ही आपको बोनस मार्क हिसाब से मिलिबो सेटा आपंकर जितेबेले रिटेन पास करी मेरिट लिस्ट समय रे ही काउंटिंग हबो तापर सिलेक्ट लिस्ट केमिति आसिबो सिलेक्ट लिस्ट आसिबो एमिति जे आपन जो माने आपन जहां भी रिटेन क्वालिफाई कले तापर फिजिकल क्वालिफाई कले तापर सब सब गुडा जो माने क्वालिफाई करबे ता सहित ड्राइविंग एनसीसी सब को रखिक लास्ट को आपर सिलेक्ट लिस्ट आसो ये सब सिलेक्ट लिस्ट जो आसो मेरिट लिस्ट तापर जाकर चाकरी जो आसपर आप चाकरी में ट्रेनिंग ने चाकरी में वर्तमान इनिशियल अपॉइंटमेंट दरमा हिसाब से आपर 6 वर्ष पर्यंत जो चाकरी में दरमा रही स्टार्टिंगटा आपर 14,000 स्टार्टिंग हम ए लिखी ना कि आपदेगी सेवेन्थ पे कमिशन अनुसार जहाँ भी दरमा रही किंतु आप 6 वर्ष जो कंट्राक्चुअल था से कंट्राक्चुअल तो बर्तमान इनिशियल अपॉइंटमेंट हो जाए जो 6,000 था से आप 14,000 पर मिले प्रति वर्ष 10% रिजन माने आपर इनक्रीमेंट होकर चलो ओके जो पोस्ट सब रही है जितेबाला आप कनेस्टेबल होती आप हाबिलदार केमी प्रमोशन हे हाबिलदार केमी हे से सब जिन आप जाना दरकार ना से नियम तार रिलेटेड स्पेशल एक भिड बनईदेवि ओके तेज आपने कौन जाने मुझे यहाँ पूर्व बहुत थर आपचे नियम कानून चेंज हम आउ गोटे आप डाउट रही पाए सार जो बयस रही ये बयस जनरल बयस करोनापी रिलैक्सेशन दब ना दबनी आप कहतु मुझे जिनस कह वर्तमान नियम जहाँ देती से नियम कौन सी जिनस से उल्लेख रखना जितेबाला आडभर्टाइजमेंट बाहर से कोरोनापी बयस दब बा नदब आर्मी भी तो देती तो से प्रायत देपे से आडभर्टाइजमेंट बाहर पर्यंत अपेक्षा करूँ आपणकर वर्तमान मुख्य काम है आपण मैंने डिस्ट्रिक्ट जदि आप टेन्थ पास कर 168 सेंटीमीटर आपंकर हाइट 168 अधिक हो आपणकर सेथिरे एससी एसटी पिला मानकर 163 अधिक होउची ताहाले आपण वर्तमान जाई के नाम रजिस्ट्रेशन करै दियंतु तापर रिटेन पई पढापडी करंतु तापर आपणकर वयस मध्ये 1 जनवरी कि 2023 22 24 सब आडे काउंटिंग कर दियंतु आपणकर सेथिरे होउची कि नाही गोटिए चांस मिलिबो तापर पुनी 2 वर्ष पर भरे बाहरिबो कि 5 वर्ष पर बाहरिबो किछ चायस नाही आगुआ रेडी होंतु एवं एई जो पीडीएफ फाइलटा
एफएम मनोज टेलीग्राम रे मु छाड़ी देबी एफएम मनोज टेलीग्राम जो थे कि पाखापाखि 52,000 पिला अच्छा तेज आपण मैंने मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए आपन एटी जॉइन हो जाइए सब पीडीएफ फाइल ए पीडीएफ फाइल मुझे छाड़देवी जो जो पीडीएफ फाइल मुझे डाउनलोड करेंगे आपको कही सारापर से डिलीट कैर ता पूर्व ये छाड़ दिए ये ही रुए आपने जमी कौन जगह न खोजते आप टाइम वेस्ट न हुए सहित जो फिजिकाल हार्ड रखा रिटिन हार्ड रखा एफ एम मनोज यूट्यूब चैनल में मुझे रिक्रुटमेंट नियम तार रिटिन तार सब ए टू जेड सब नहीं आस नोटिस फोटिस जहाँ सब आसला किंतु मनोज माउंट करके एक चैनल जो चैनल में मुझे फिजिकाल आउ केवल मेडिकल फिजिकाल वीडियो पोस्ट करी तार ट्रिक कहीदेवी कारण है यह बहुत सारा पिला फिजिकाल कटुचार कि भाई फिजिकाल बर्तमान केवल क्वाफाइंग करदे मार्क फर्क ना जे जहाँ करेंगे भी पाइव कितु रिटिन पास कला पिला फिजिकाल पार ना तो से आपको एथेरे ट्रिक सब जनइबी और फिजिकाल आप कौन कौन करेंगे मुझको एवं कही फिजिकाल और मेडिकल ये चैनल हम आपको कहबी यहाँ हूँ मोर ऑफिशियल चैनल आगुरी ब्लॉग फ्लॉग जहाँ था से देखा किसी आवश्यक ना कि चैनल मुझे आपको ये गाइड करी मुझे आपको फिजिकाल और मेडिकल ये गाइड करी ओके तो आपने यूएसएफपी आईआरबी रिलेटेड पूरा डिटेल सबकि बुझ सारी तो आज पर वीडियो सांगसाथी सहित सेयार करदे यूएसएफपी आईआरबी जो मैंने जबार इच्छा अच्छी तो यही हिसाब से रेडी रहिबे धन्यवाद।